रात में अंधेरा था, प्लस में वहां पे कोई लाइट उट का सुविधा नहीं था, इसीलिए हेलो हाँ दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं क्या ही बताऊं, बहुत आज मेरा हमारा जानते हैं दोस्तों, कल रात बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वीडियो हम नहीं बनाए थे क्योंकि रात में अंधेरा था, प्लस में वहां पे कोई लाइट उट का सुविधा नहीं था, इसीलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो सोचे हम कि सुबह में ही बना देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जानते हैं अभी थोड़ा हमारा दिमाग सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं और ज्यादा हम आप लोगों का समय नहीं लेंगे। तो खैर चलिए, क्या हुआ था कल रात को हम आप लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं। आप लोग इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है दोस्तों? और देख सकते हैं वहां पे सामान हमारी लड़की लोग किस तरह से खरीदती है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो करेंगे ही, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं क्या हुआ था रात को। देख सकते हैं दोस्तों, पीछे से कैमरा मैं ही कर रही हूँ, मैं ही ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। और दिखाते हैं कल को मेरा क्या हो गया था रात में, आप लोग उसे शेयर करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा बहुत सारा दुकान का सीक्रेट है, और जो सीक्रेट होता है ना वो है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी धूप में डाले हैं और ये सब धोए हैं, पूरा गंदा हो गया था दोस्तों, ये देखने के लायक नहीं था कल। और ठेला भी थोड़ा सा मेरा ये हो गया है, इधर उचुक पुचुक गया है, ऊपर मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है, ठीक है दोस्तों? लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों से जितना बनता है उतना हम आप लोगों से शेयर कर देते हैं, आप लोग हमारा पूरा ब्लॉग देखिएगा। और मेरा तराजू भी, क्या बोलते हैं जो तोलने वाला होता है ना मूंगफली, उससे बर्बाद हो गया था दोस्तों कल रात को, गिर गया था। डब्बा भी इधर देख सकते हैं, इसमें जो दिखाते हैं आपको, 1 मिनट दोस्तों, इसमें जो है ना दोस्तों सामान रखते थे वो टूट गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फट गया है, दिख रहा है ना आप लोग को? मैं जब भी अकेले मतलब कैमरा करती हूँ ना दोस्तों, तो उतना ठीक से मैं कैमरा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कभी कभी मेरा हिम्मत टूट जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं कल मेरा ठेला उलट गया था दोस्तों, क्योंकि रास्ते में मैं आप लोगों से बताती हूँ अभी, और कल रात को मैं डरी हुई थी कि कहीं हमारा कढ़ाई ना फूट जाए, क्योंकि इसी में हम लोग मूंगफली भूनते हैं, अगर टूट जाता तो जल्दी खरीदना पड़ता और पैसा का भी नुकसान हो जाता दोस्तों, ठीक है? और इधर देखिए, चलिए हम आप लोग को मिलाते हैं क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। कल रात को मेरे हस्बैंड जी को भी तबीयत खराब हो गया था, बहुत जोर से बुखार हो गया था। बुखार हो गया था ना आपका रात में? नमस्ते दोस्तों। देख सकते हैं इनका चेहरा उतरा उतरा सा है इनका भी। चेहरा पूरा उदास है। कल आए तो दुकान में थे, बताई दी मेरे कुछ कि थैला कल पलट गया था, अच्छी था वो भी चक्कर पलट गया था, थैला वाला सब सामान बिखर गया था और मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, बुखार आ गया था रात में। तो तेल उल लगाई तो वो आराम है, अब उसे बारिश कर रहे हैं, अब जाएंगे बाजार सामान लाएंगे और थैला उला बनाएंगे। और इधर देख सकते हैं हमारी बड़ी बड़ी लड़की ब्रश कर रही है ना बेटा, हमारी बेटी अभी जगी हुई है, और इधर मेरी मम्मी चावल धो रही है दोस्तों, और इधर इधर ये जो छोटी हाँ वाली बेटी आपको दिखाते हैं, अभी नहा करके वो गई है, और देखिए कहाँ पर सोई है। हाँ दिखाते हैं, देखिए कहाँ पर सोई है, किचन रूम में चटाई बिछा करके ऐसी लेटी हुई है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए हमारा पूरा चूल्हा टूट गया था दोस्तों, जब हम सुने कि हमारा ठेला पलट गया है तो हमें ज्यादातर कढ़ाई और चूल्हा का बहुत टेंशन हो रहा था। देखिए टूट गया है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को सब चीज दिखा दिया, बता दिया, और मैंने ये भी दिखाई कि मेरे हस्बैंड को कल रात को ज्यादा बुखार आ गया था। तो दोस्तों ज्यादा बुखार आ गया था, इसीलिए आज हम लोग सब परिवार लेट से उठे हैं और अभी तक हमारे घर में खाना नहीं बना हुआ है। बस अभी मेरी मम्मी चावल बैठाई है, जैसे कि मैं आपको दिखाया मेरी मम्मी धो रही थी चावल, है ना दोस्तों? चावल बैठाई है, और मेरे घर में अभी कुछ है नहीं,
और मेरे घर में कोई करने वाला भी नहीं है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। ना तो कोई मार्केट जाने वाले हैं, ना मतलब कोई घर संभालने वाला नहीं है। जो है सो मेरे हस्बैंड है, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े, बहुत कुछ करें। क्योंकि क्या ही बताए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही, इसके बाद आगे कुछ कुछ जो भी दिल की बातें हैं शेयर करेंगे। और आप लोग हमारे परिवार के लिए दुआ कीजिए कि हम सारे परिवार खुशहाल रहे, खुशी रहे, जिस तरह से बाय रखते बाय हैं। बेबी। दोस्तों